दोस्तों कल के डे में डॉग की लिस्टिंग होने वाली थी और कई सारे लोग हमस्टर कॉम्बैट में टैप टैप करके अर्निंग कर रहे हैं। उसकी भी लिस्टिंग बहुत जल्दी होने वाली है। और आपने ब्रेकिंग न्यूज सुना होगा, जो ध्रुव पवेल हैं, जो टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ हैं, उसे फ्रांस गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया है। ध्रुव पवेल अपने प्राइवेट जेट से अजरबैजान के लिए जा रहे थे। डे था शनिवार और पेरिस के बाहर स्थित बारगेट एयरपोर्ट पे इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट्स की माने तो इनके खिलाफ वारंट जारी हुआ था। इनकी कंपनी टेलीग्राम पर मॉडरेटर्स की कमी की जांच हुई थी। पुलिस ने अपने जांच में पाया कि मॉडरेटर्स की कमी के कारण आपराधिक गतिविधियों इस ऐप पर आराम से चलाई जा रही थी। फिलहाल इस चीज को लेकर ध्रुव पावेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक इस पूरे मामले में टेलीग्राम की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। वहीं फ्रांस के आंतरिक मंत्रालय और पुलिस की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय ने इस घटने पर कहा है कि वह स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कदम उठा रहे हैं। अब कई सारे लोगों के दिमाग में कई सारी चीजें चल रही होगी, क्योंकि मैंने सुबह में देखा बहुत सारे लोग स्टेटस लगा के रखे थे टेलीग्राम बंद होने वाला है। तो सबसे पहली चीज भाई, टेलीग्राम बंद नहीं होगा, ठीक है? बिल्कुल टेलीग्राम बंद नहीं होने वाला। और दूसरी चीज, डॉग की लिस्टिंग कल होने वाली थी और जो टॉन का प्राइस है ना, वह कम से कम 23 से मतलब 20 से 25% गिर गया है, ठीक है? उसका जो ग्राफ वह नीचे गिर गया है। तो कई सारे लोग बोल रहे हैं कि टोन का जो प्राइस है वह तो गिर गया है, तो जब कल लिस्टिंग होगी तो हमको बहुत कम पैसा मिलने वाला है। तो भाई हो सकता है कि अगर कल लिस्टिंग होगी तो डेफिनेटली टोन का प्राइस गिरा है, तो थोड़ा सा प्राइस आपको कम मिलने वाला है। और दूसरी चीज, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि इसे बढ़ा दिया जाएगा, यानी लिस्टिंग जो डॉग की लिस्टिंग होगा कल नहीं होगी, तो मे भी हो सकता है बढ़ जाए और हो सकता है कि हो जाए। अभी शाम के लगभग 6 बज रहे हैं, तो कल 7 बजे, ठीक है, लिस्टिंग कल 7 बजे के आसपास होगी, तो आप लोग रेडी रहना। और दूसरा चीज, हमस्टर कॉम्बैट भाई, इस पे बहुत सारे लोग टैप टैप करके अर्निंग कर रहे हैं और सीधा यह टेलीग्राम से जुड़ा हुआ है कि सर अगर टेलीग्राम बंद हो गया तो हम क्या करेंगे। तो भाई देखो, टेलीग्राम बंद नहीं होने वाला है। कुछ उनका मामला था, कुछ डाटा शेयरिंग से रिलेटेड, इसके वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोग डाटा मांग रहे थे, इन्होंने डाटा दिया नहीं, तो उसी चीज को लेके इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन कोई नहीं, हमारा जो टेलीग्राम वो बंद नहीं होने वाला, बहुत ही जल्दी ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है, बहुत जल्दी छूट जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग इस चीज को गलत बता रहे हैं कि जो फ्रांस की गवर्नमेंट है गलत कर रही है। तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ध्रुव पवेल का नेटवर्क देखें तो फोर्ब्स के अनुसार इनके पास 15.5 मिलियन डॉलर की संपत्ति है। तो यह कोई अरे गरे आदमी नहीं है कि बस हम मतलब बंद कर दो, बंद करके छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं यार। टेलीग्राम आपको पता होगा। सो कोई नहीं, टेंशन मत लो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। अगर ऐसी कोई खबर आई तो हम आपको सबसे पहले अपने इसी चैनल पे दे देंगे। लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।